मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस की वजह से पूरा भारत लॉकडाउन है और लोगों को घर से निकलने पर भी रोक है, मगर इसके बावजूद लोग बेवजह सड़कों पर निकलते हैं। पुलिस इन्हें बार बार हिदायत देती है मगर लोग मानने को राजी नहीं है। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस कर्मियों के साथ लोगों की झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो भारत के अलग अलग राज्यों की है जो काफ़ी वायरल हो रही है। लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि पुलिस उन्हें उनके भलाई के लिए ही उन्हें घर में रहने को कह रही है, मगर इसके बावजूद लोग समझने को राजी नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना मास्क लगाए खुद और अपने बच्चों को साथ में लेकर बाहर निकल रहे हैं। शायद इन्हें इस भयानक कोरोना वायरस का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। क्या कर रहे हैं, कोई रोकने पर और पूछने पर ये पुलिस वालों पर ही उल्टा भड़क जाते हैं और पुलिस से ही हाथापाई करने लगते हैं। सरकार अपील कर रही है घरों में रहे, कर्फ्यू लगा है, धारा 144 भी लागू है, लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन बेवजह घूमने वालों की वजह से जो वाकई में दवा या मेडिकल या फिर अस्पताल जाते हैं उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ती है। हम आपको कुछ वायरल वीडियोस दिखाते हैं, देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों के साथ ये लोग झड़प कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਭੈਣ ਚੋਂ ਕਿੱਥਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਏ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।